जो हमारे पास नहीं है उसका हम खैर कुछ भी नहीं कर सकते, पर जो हमारे पास मौजूद है उस पर हम मेहनत करके कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। एक्चुअली आई एम टोटल इंस्पायर्ड बाय प्रशांत आचार्य जी। अगर आप उस महान इंसान को जानते होंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे एक्चुअली हमारे साथ क्या होता है। जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक, समाज सेवक, जिनके हम स्टैचूज देखते हैं, उन्हें पढ़ने के बाद, उन्हें जानने के बाद, उनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि काश वो अभी भी जिंदा रहते, काश उन्हें हम अपनी आंखों से देख पाते, जान पाते, होता है ना ऐसा। तो आप उन लोगों की अगर प्रतिच्छवि किसी में देखना चाहते हैं तो आप प्रशांत आचार्य जी में देख पाओगे। एक्चुअली उन्हें सुनने के बाद, उन्हें जानने के बाद ऐसा लगता है कि इंसान अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं। ऐसा इंसान तभी होता है जब किसी के पास एक बहुत कोमल हृदय होते हैं, बहुत कठिन शब्द में आपको समझाते हैं, पर एक्चुअली कठिन शब्द में वही इंसान आपको समझाते हैं जो आपको एक्चुअल में सुधारना चाहते हैं, जो आपके अपने होते हैं, आपको अपना सा फील आएगा। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी एज में हैं, अगर आप प्रशांत आचार्य जी को सुनते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि हम अपने फील्ड में, अपने एज में भी, जिस भी एज में हैं, कुछ ना कुछ हम कर ही सकते हैं। एक्चुअली अगर कुछ भी ना कर सके तो हम अच्छे से जी सकते हैं। एक जीने की जो वजह है वो आपको मिल जाएगी। आप उन्हें एक बार सुनकर देखिए। मेरी आखिरी इच्छा यही रहेगी कि आप इस वीडियो को